नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खबर आप तक में। पिछली बार हम लोगों ने लगातार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के वीडियोस को लेकर के लगातार वीडियो बनाया, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। लेकिन अब एक स्पेशल डिमांड की गई है कि CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट क्या है, क्या इसके राइट्स हैं, क्या ये काम करता है, जो पोस्ट क्रिएट की है इसके पीछे सरकार का क्या टारगेट है, क्या मोटिव है, उसको लेकर के आज का ये वीडियो डिटेल से होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो पोस्ट है उसका क्या काम है, किस प्रकार से वो रेगुलेट होती है, इसके बारे में आज बात करेंगे। भारत सरकार की नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM जो डिपार्टमेंट है वो सारे राज्यों को ऑपरेट करता है। वो सारे राज्यों के अंदर NHM की एक अलग अलग यूनिट है और वो भारत सरकार की वेलफेयर स्कीम को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव और सक्रिय होकर के 2005 के बाद काम कर रहा है। NHM के डिपार्टमेंट के अंतर्गत भारत की मौजूदा सरकार ने गाँव, ट्राइबल, हिली एरियाज के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जैसी एक पोस्ट का डेवलप किया है, एक क्रिएशन किया है और उसको उतारा है। अब कितना कारगर होगा इसके बारे में आगे बात करेंगे। आपको बताना है कि मेडिकल फैसिलिटी जो ट्राइबल एरिया तक नहीं पहुंच पाती है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसके पीछे का जो कारण है वो आप सब जानते हैं। बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर हैं, जो अच्छे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो टैलेंटेड हैं, वो अपनी लाइफ को सिटी के अंदर सेटल करना चाहते हैं, ट्राइबल एरियाज के अंदर वो रहना नहीं चाहते। सरकार उनका पोस्टिंग वहाँ करती है तो वो ट्रांसफ़र करा देते हैं या फिर जॉब छोड़ देते हैं। इसलिए ट्राइबल की जो PHCs हैं, सब सेंटर्स हैं, CHC हैं, वहाँ तक बहुत सी बार डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। इस वजह से गांव के लोगों को ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिल पाता, इसके लिए वो प्राइवेट की तरफ जाते हैं या फिर झोला छाप डॉक्टरों के संपर्क में रहते हैं, उनसे इलाज कराना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को एक नई जिम्मेदारी देते हुए फील्ड के अंदर उतारने का फैसला किया। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है वो पोस्ट पर जाने के लिए पहले नर्सिंग किया हुआ व्यक्ति होना जरूरी है, जिसमें आप GNM, BSc, MSc के करनी जरूरी है। उसके बाद आपको 6 महीने का सरकार ब्रिज कोर्स करवाती है BPCCHN, जिसका नाम है ब्रिज प्रोग्राम सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ नर्स के अंदर। इसमें 6 महीने में आपको सारे सब्जेक्ट्स का एक डिटेल स्टडी करवाया जाता है, जिसमें फिर आपको कुछ मेडिसिन जो है उनके बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि बेसिक आपके नर्सिंग के डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होता। पेशेंट की डिजीज को असेसमेंट कैसे किया जाए वो आपको सिखाया जाता है, उसका डायग्नोस कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं पेशेंट्स की डिजीज को लेकर के, ये पूरा डिटेल से इस 6 महीने के कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 महीने, क्योंकि पहले 4 साल 5 साल की जो नर्सिंग प्रोग्राम कोर्स है वो तो स्टाफ ऑलरेडी करके आया हुआ होता है। उसके बाद उसे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ड्यूटियाँ करवाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब सेंटर, CHC, PHC, अर्बन PHC, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग डिपार्टमेंट में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का कोर्स कर रहे हैं। BPCCHN के कोर्स को आने वाले कैंडिडेट को ड्यूटियाँ करवाई जाती है और पूरे डॉक्टर्स के अंडर में उसको गाइडलाइन करके तैयार किया जाता है। फिर इनकी पोस्टिंग सब सेंटर लेवल पर होती है, जिसको सरकार ने डेवलप किया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वहाँ पर इसकी पोस्ट होती है। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के अंतर्गत ANM और आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी, आशा सहायिका, स्कूल हेल्थ सर्विसेज और जो विलेज लेवल का जो कम्युनिटी जो है उनके सारी कम्युनिटीज़ के अंदर जो प्रोग्राम है, हेल्थ सर्विसेज हैं, भारत सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका क्रियान्वयन करवाना, उनको लागू करना, उनको इम्प्लीमेंटेशन करना और भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आती है उनको गाँव के लेवल तक पहुँचाना, गांव का जो डेटा है कंप्लीट वो तैयार करना और अपने MO को सबमिट करना। उसके अलावा भारत का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर सरकार काम करना चाहती है, क्योंकि जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है इसकी वजह से जो भारत के लोगों के अंदर खान पान के अंदर जो बदलाव है, इस वजह से कहीं सारा हार्ट अटैक के कैसे, BP के कैसे, TB, HIV ऐसे कई सारे जैसे केसेज हैं ट्राइबल एरिया के अंदर डायग्नोस ही नहीं हो पाते, क्योंकि कभी उनका इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ। तो उन सारे केसेस को जो डेटा तैयार करना या फिर उनके पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनमें किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट किया जाए उसको करना, या फिर उन्हें आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अप्रोच में लाना है, सरकार की नोटिस में लाने तक का काम ये बेसिक लेवल से स्टार्ट हो, इसके लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का ये नई पोस्ट क्रिएट की गई। अब काम कैसे करेगा ये इनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक तरह से इंचार्ज, जिस प्रकार PHC का डॉक्टर होता है, CHC का MOIC होता है, उसी प्रकार सब सेंटर के अंदर जो इंचार्ज है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत उस सब सेंटर की ANM सिस्टर्स, आशा वर्कर्स, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी और उस सब सेंटर के अंदर आने वाली स्कूलें जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो उसके अंदर आएगी, जिसमें जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर कोई डिजीज़ नहीं हो, उसका स्कूल जो हेल्थ सर्विस होती है उनके अंदर चेक करना,
आंगनबाड़ी को चेक करना जिसमें जो बच्चे आ रहे हैं उनको कंप्लीट न्यूट्रिशनल वाला भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उसके अलावा जो बच्चों का वैक्सीनेशन है, जो जन्म के समय से लेकर के 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनका जो वैक्सीनेशन शेड्यूल जो भारत सरकार का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। ARC को रजिस्टर करना, क्योंकि ट्राइबल एरिया के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो डिलीवरी अपने घर पे करते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर करते हैं, उनको रजिस्टर करना। और रजिस्टर करने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर किसी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर उनका डिलीवरी हो, उनके बेबी को इम्यूनाइजेशन का पूरा स्केल उनको अवेलेबल हो, इस प्रकार के काम करने का काम जो है वो CHO के अंदर होगा। और जो स्पेशल प्रोग्राम है वो है NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें डायबिटीज़, शुगर, थायराइड और BP के जो पेशेंट्स हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना बड़ा बड़ा काम है। वो इसके साथ ही गांव के अंदर जो नर्सिंग किया हुआ कर्मचारी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा संख्या में मिल जाएंगे, गांव के बच्चे जो हैं वो नर्सिंग कर लेते हैं, उनको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में डाल करके आप सब सेंटर तक सरकार पहुँचाती है तो कंटिन्यू जम करके वहाँ काम करेंगे और वो काम करेंगे, वो छोड़ करके नहीं जाएंगे। इसलिए गांव के लोगों को 24 आवर्स वो अवेलेबल वहाँ मिलेंगे। इस मोटिव के साथ भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये प्रोजेक्ट निकाला है और तमाम सारे राज्यों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है और अपने स्टेट में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती कर दी गई है और उनको वेलनेस सेंटर पर पहुँचाया गया है और वहाँ सारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। अगर सरकारें बिना किसी भेदभाव के सीरियस होकर के इस प्रोजेक्ट को अगर इम्प्लीमेंट करती है और CHOs को एक अच्छे आत्मसम्मान के साथ और एक अच्छे पे स्केल्स के साथ अगर ग्रामीण सेक्टर के अंदर अपॉइंट करती है और उनको राइट्स मिलता है ये सारा जो एक प्रोग्राम के अंदर रखा गया है, तो सरकार की ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की स्कीम गेम चेंजर साबित हो सकती है। जबकि नर्सिंग किया हुआ कर्मचारी गांव का लड़का आपको मिल जाएगा, आप उसको गांव में अगर पोस्टिंग करेंगे तो अच्छे से काम करेगा और वहां पर जम के रहेगा, लोगों के बीच में लोकल लैंग्वेज को भी जानते हैं, लोकल जो होंगे वो वहां के लोगों के लाइफस्टाइल को भी अच्छे से समझते हैं, वहां के जो टर्म कंडीशन हैं, वहां के जो उनके वैल्यू हैं, वहां के उनके जो एथिक्स हैं उनको अच्छे से समझते हैं, तो उस हिसाब से जो प्रैक्टिस कर पाएंगे अच्छे से फैसिलिटीज अवेलेबल करा पाएंगे। आपके लिए कहीं सारी तमाम जानकारियां, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और देखते रहें खबर आप तक। थैंक यू।